संस्थानिक डेटा के निर्माण, अधिग्रहण, प्रसार और उपयोग के लिए दिशा निर्देशों का किया गया अनावरण। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भूस्थानिक डेटा आधुनिक उद्योगों की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जूट बीज के व्यावसायिक वितरण योजना का केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने किया उद्घाटन। उत्पादन में 15% की होगी बढ़ोतरी, 5,00,000 किसानों को होगा फायदा। जूट उत्पादन के दौरान काम आने वाले पानी टैंक के निर्माण की भी बात कही गई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी सम्मेलन में शामिल होने विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी पहुंचे गुवाहाटी। असम में विकास कार्यों को लेकर दोनों देशों में बढ़ेगा सहयोग। व्हाट्सएप और फेसबुक की नई निजता नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। प्रधान न्यायाधीश की अदालत ने कहा, नागरिकों की निजता की रक्षा करना है कर्तव्य। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद। शेयर बाजार में दर्ज हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सेंसेक्स पहली बार 52,000 के पार, निफ्टी भी पहुंचा 15,000 की ऊंचाई पर। और उत्तराखंड त्रासदी में मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा, तपोवन सुरंग में बचाव कार्य जारी। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों में से अब तक 8 लोगों की लाश हुई बरामद।